गुजरे जमाने की शान जावा बाइक अब फिर से नए अवतार में, शोरूम आपके शहर सागर में भी उपलब्ध। तो आज ही लीजिए नई जावा बाइक, पता जावा शोरूम, बरसा इंडस्ट्रीज के बाजू में, भगवानगंज सागर। मना नहीं करी है आपने? नहीं मना करी से मैं तो बस उल्लास मार गया वो बस भाग गए। का चाह के मैं दे रहे कि कितना नुकसान हुआ है आपका? मत को होगा, लेटरिंग चली गई, नहाने चली गई, दुकान चली गई। का चाह तो बे परेशान लेटरिंग को का चाह तो बाप का चाह तो जो कछु मिले सो देव मो रखो काम और कहीं सही में डरे रे पे। तो अगर नहीं दो तो नहीं दे तो मर जाए कई तो है। बशीर बद्र कहते हैं लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। गरीबों को कोई नोटिस नहीं, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, सीधे पटक दो मकान, गिरा दो मकान। जी हां, मध्य प्रदेश के सागर में इन दिनों तरक्की ऐसी हो रही है, विकास ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कि 3-4 महीने में सीधे सीधे सागर को लंदन बना दिया जाएगा। आज सागर के भूतेश्वर इलाके में फिर बुलडोजर चला, लगा कि बुलडोजर को यह सिखा पड़ा दिया गया है कि सिर्फ कमजोरों के मकानों को जमींदोज करना है। अरे भाई, अतिक्रमण की कार्रवाई लाख करो, लेकिन जनता को मौका दो कि हम आपका मकान गिराने आ रहे हैं। उठाया सिर और पटक दिया मकान। जनता ने जब नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया तो निगम अमला तो पहले भाग गया, लेकिन फिर नगर निगम के कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब मौके पर पहुंचे और कहा कि पटक दो सभी के मकानों को। ये हम नहीं कह रहे, नहीं तो नगर निगम और प्रशासन को बुरा लग जाए। यहाँ की जनता का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस या कोई खबर नहीं दी गई। जब के रही मकान दुकान खुली थी, के रही मकान गिरा, एक कोठा ऊपर को जा रहा, एक नीचे को जा रहा, उतनी जगह यही नहीं है। हमें रे बिखो ना कछु, अब हमारा धन दो है तो वो बैठ गा। कितना बताओ तो और कितना तोड़ दो है? वो तो निशान कहाँ से लगाओ, तोड़ो कहाँ से? निशान लगो तो वो उसे तीन भैया को जाने तो जो जा इतनी दीवार लगी जो ना कोठा बता दो। कुआ है जी तोड़ दे, अब जितना काम से आए थे। हाँ, उनको लगा जी बोला था सही। हाँ, हम सही बोला थे। हमने समो लाई थी, दुकान बनवाई थी, वे पटक गए, समो चुकी नहीं है और पटक गए और कहा कहते हैं कि तेरे निशान लगाएगा थे जैसे हम टूट गए। एक कोठा जगह लेटरिंग नहानी बनी थी, वही में किचन बनी थी। आपने कही नहीं गए? कही थी, सुबह माना ही नहीं रहा तो बिल्लो जा ले आए, पटक गए। हाँ, काय का काम लगने हैं थे? कहा पता रोड बन रहा है, ये को काम लगने हैं तो घर पटकने लगी, ने उनने सूचना दी, ने वारंट दी, ने कछु दी। नाम है आपका? हमारा सकी भाई नाम है। क्या क्या हुआ है आपके? वो पूरे ऊपर से नीचे तक जो तोड़ गए, ऊपर की लेटरिंग मिटा दी, नीचे की मिटा दी है, इतनी जगह जब चली गई वो तोड़ गए हैं। कहाँ की यहाँ जी काय का काम लगना है? आप जानकारी नहीं दी आपको? हमें कछु जानकारी नहीं दी वगैरह, कुछ कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला बेटा। बिना जानकारी तोड़ दिया। कितना नुकसान हुआ आपका? अब ये हुआ 2 लाख का हुआ, हमारा 2-2.5 लाख का हो गया। ये जो घर था आपने बनवाया था, कैसे बनवाया था? टूटी मिली थी, सारा सोया से बनवाया था। किसी भी प्रकार की मोहलत नहीं दी गई आपके? कुछ नहीं दी गई है, आए सर पे कोकड़े चलाई और टोर के चले गए। आपने मतलब विरोध नहीं किया कि किस लिए तोड़ रहे हैं आप? तोड़ो तो विरोध किया था, कुछ नहीं बोले और डांट दिया हम औरों को।
क्यों बोल रहा है, कोई तो बोल नहीं रहा बीच में, तुम क्यों बोल रहा है बीच में? है हमारा तो पूरा मकान गाँव है, तो हम तो बोले कि थोड़ी सी जगह है तुमने, भाई हमारी पूरी ले लगी सब, हम कहाँ रहे में है जी डरे रोड पे। क्या कार्रवाई आप क्या चाहती हो, आपके क्या होना चाहिए? हमें तो घर मकान चाहिए, रहने को जगह चाहिए, जैसे तोड़ लगे और क्या, जैसे तोड़ हमें तो पैसे नहीं चाहिए, चाहे हमें तो घर दे दो, रहने को काम था भाई। क्या क्या कार्रवाई हुई है यार? हमारे पे तो कुछ नहीं भाई, पहले निशान लगा गए और फिर आशो को हमने कही तोड़ गए थे और बस हमारे को कोई मदद भी नहीं है, अपने हाथ से भी अपने हाथ से भी तोड़वा दो, कुत्ता कुतिया देखो तो रोटी खा रहा है हमारे, अब रे देखो नहीं है जितना लगा है जो लोहे को तो कौन मतलब और घुस जाए। जानकारी नहीं दी थी पहले, नोटिस नहीं आया था? नहीं आया हमारे, बिना नोटिस के तोड़ दिया? नहीं आया। क्या बना था यहाँ पे? क्या बना? नहीं बना था रेलवे के लिए, नहीं ये जो टूटा है यहाँ क्या था पहले? लेटरिन बाथरूम हती हमारे, अब हमारे को जगह भी नहीं है कहूँ लेटरिन बाथरूम के लाने। क्या चाहती हो आप प्रशासन से? हमें तो शासन से मदद मिले भैया, और क्या चाहते हैं कि हमने दोबारा बनवा ली में कोई नोटिस वगैरह दिया था आपको जानकारी? नहीं, नहीं दिया, बिना नोटिस के तोड़ दिया, विरोध नहीं किया आपने इसका? दीवार पे तक मारा, दीवार पे तक मारा पाइप, क्या क्या नुकसान हो गया आपका? क्या चाहते हो अब आप लोग? को तोड़ गए जे टोर में वाले टोर गए तो को हते सो बे निगम के हते को निगम के हो जा जहां के हो टोर का मिटा गए हुकुम मथा पर मैं मोड़ी मोड़ा मना नहीं करी आपने? नहीं मने करी से तो बजूला से मार गा वो बस भाग गए। कितना नुकसान हुआ है आपका? मुझ को होगा, लेटरिंग चली गई, नहानी चली गई, दुकान चली गई, का चाहत हो परेशान लेटरिंग को? का चाहत हो बाप? का चाहत जो कछु मिला सो देव मो रखो काम हो रहा कहीं सही में डरे रे तो अगर नहीं दो तो नहीं दे तो मर जाए कही तू है। यहाँ की जनता का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना अतिक्रमण हटाने की कोई खबर दी गई, जबकि नगर निगम अमला से जब हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जनता की आपत्ति थी इस इलाके में नगर निगम के अधिकारी लखन साहू का मकान क्यों छोड़ दिया गया, अब सागर तरक्की कर रहा है, तरक्की का मतलब सिर्फ अतिक्रमण हटाने से जुड़ गया है, झील के चारों तरफ जो अतिक्रमण है, बड़े बड़े लोग जो अतिक्रमण करे हैं उनका विकास से कोई मतलब नहीं, हाँ अगर गरीब अतिक्रमण करे हैं तो उसे हटाया जाएगा, नहीं तो शहर का विकास नहीं हो पाएगा, यही मौजूदा सरकार का नियम है और यही नगर निगम का फलसफा है। आदर्श दुबे के साथ वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।